लाख की मांग करी, 21 लाख रुपए और एक गाड़ी दे। गाड़ी हम लोग दे रहे थे, वो नहीं ली खुद अपनी, उससे मैं तो बढ़िया गाड़ी खरीदूंगा। 3 दिन पहले उसने गाड़ी लाके खरीदी है, इंक्वायरी कर सकते हो शादी से पहले। 3 दिन पहले गाड़ी उसने खुद खरीदी है। वीडियो बनाने ने मना कर दिया था कि आप यहाँ की कोई वीडियो नहीं बना, मुझे सीओ से बात करवा दे। नहीं, उन्हें सीओ से बात करवाया। आप लड़की की क्या लगती है? मैं उसकी मम्मी हूँ। बताइए जी, क्या बताना चाहेंगे आपकी बेटी के साथ जिस तरह से घटना घटी, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा अन्याय कराया है। मेरी बेटी जिस दिन से शादी करा के गई उस दिन से परेशान कर रखी उन लोगों को दहेज के बारे में। दहेज नहीं लेके आई। हम तेरे को इस घर की नौकरानी बना के रखेंगे, इस घर की बहू नहीं है तू। मेरी बेटी को बहुत बेइज्जत किया उन्हें तीनों बाप बेटों ने बहुत बेइज्जत किया है। तीनों की लेडीज है, तू एक की नहीं है। इस घर में रहेगी तो मेरी बेटी ने काम में भी उस घर में मेरी पार नहीं पड़ेगी। बहुत बदतमीज आदमी है, मैं अपनी सर्विस करूँगी, अपनी पढ़ाई करूँगी। मैंने बहुत कोशिश करके मेरी बेटी सर्विस लगवाई और उन लोगों ने ये कहा कि हमारे इसकी सर्विस की कोई खुशी नहीं है, हम इसको साड़ी को ख़त्म करेंगे। आखिर में उन्होंने वही करके दिखाया जो करना था। मैंने कहा कि मेरी बेटी का तुमको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरी बेटी का मैं पूरा साथ दूंगी जब तक जीऊंगी। जब तक बोली मैं ऑन ड्यूटी दिखा दूंगा और तेरी बेटी को ख़त्म कर दूंगा, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ से वो बहुत दिल खुश करके मेरी बेटी को ले गया। वहाँ पे जाके उसने मेरी बेटी को ख़त्म कर दिया, धोखे से मारी है। पूरा लड़के का सिर फोड़ रखा है, पूरे हाथ ख़त्म कर रखे उसके, और चुन्नी का वैसे ही उन्हें वो बना के दिखाया, चुन्नी से उसकी गेटी में गाल के हाथ से खींची है, एक काट के ऊपर लटका दिया। पंखा बहुत ऊँची हाइट पर था, मेरी लड़की का हाथ नहीं आया वो। मैं वहाँ की सब वीडियो बना के लाई हूँ और पूरा रूम देखा ही, पूरे रूम के मैं सब कपड़े लत्ते खिंड रहे हैं, कांच की बोतलें फूटी खिंड रही है, सब सामान खिंड रहा है। और वहाँ इतना अट गए थे, बोले नहीं रूम पे जाओ तो वीडियो मत बनाना। नहीं, मैंने बड़ी ज़बरदस्ती से वीडियो बनाई है, मैं वीडियो बना के लेके जाऊँगी। मेरी बच्ची मेरे हाथों से गई। बहुत धोखे से मारी है मेरी बच्ची उन लोगों ने, शुरू दिन से हाथ बताया जा रहा है, पूरा हाथ है उसकी, ननद का भी, सासू का, ससुरा का, देवर का, दौरानी का, सबका। अभी लड़की हुई थी, 22 दिन की थी, पूरा परिवार कुहाड़ा लेके मारने के लिए चढ़ गया। मैंने एक महीने के होते ही ये बेटी अच्छा, एक महीने के होते ही मैं मेरी बच्ची को घर बुला लिया। मम्मी मेरे को ठंडी रोटी खाने के लिए देते हैं, मम्मी मेरे को कहते हैं जब मारने के लिए चढ़ जाते हैं। और उसकी दौरानी ने भी उसकी चोटी पकड़ी, बोली तेरे को मैं बनाऊंगी, यहाँ की मालकिन, सब कुछ मेरा है। और जैसे वो गंदे थे वैसी गंदी वो लड़की आ रही है उनके, बहुत गंदा प्यार है उस घर का। मैंने खुद देखे वो ससुर और बोड़िया दोनों बेड पे बैठे देखे मैंने। और मेरी बच्ची को भी इसी रंग में रंगते थे, मेरी बच्ची इस रंग में नहीं रंगी गई। नहीं बोले तू हमारे रंग में रंगी जाएगी तो इस घर में रहेगी ना, हम तेरे को रहने नहीं देंगे। मैंने सब बातें दबाई उनकी, मगर समाज है, गाँव है, समाज है, लेकिन आज मेरे को सब ओपन करनी पड़ गई है। चलो कोई नहीं, इन बच्चों का घर बस जाएगा, अब घर बस जाएगा किसी तरह के, इन बच्चों का घर बस जाएगा। उन्होंने मेरी कोई एक भी नहीं मानी, पागल करके बरते हम लोगों को। अब ये जमींदार लोग हैं, मैं जमींदार की बेटी हूँ, जमींदार की ब्याही हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा मेरी बेटी के लिए। मेरे को इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, हर इंसान की फांसी टूटनी चाहिए। नहीं मैं इस देश में एक बहुत गंभीर हमला मचा के रख दूंगी, मैं कोई मामूली लेडीज नहीं हूँ, मैं हमला मचा के रख दूंगी। इस देश की सब बेटियाँ यही ख़त्म हो रही है, सब ठंडे बैठ जाते हैं, मैं ठंडी बैठने वाली नहीं हूँ। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मेरे को फांसी की सजा चाहिए, मेरी बेटी के फांसी लगाई है तो मैंने फांसी की सजा चाहिए। तो जो दहेज में जो मांग करी गई थी वो किस किस चीजों की मांग की गई थी? उन्होंने 21 लाख की मांग करी, 21 लाख रुपए और एक गाड़ी दे। गाड़ी हम लोग दे रहे थे, वो नहीं ली खुद अपनी, उससे मैं तो बढ़िया गाड़ी खरीदूंगा। 3 दिन पहले उसने गाड़ी लाके खरीदी है, इंक्वायरी कर सकते हो शादी से पहले। 3 दिन पहले गाड़ी उसने खुद खरीदी है। इसके पैसे दो, गाड़ी के पैसे दो। हमने बोल दिया हमारे पास कुल 11 लाख रुपये बढ़ेंगे, इससे ऊपर नहीं है। तो बोला 11 लाख हैं तो रुपया नारियल लेके आना, और अगर बढ़ते तो इतने लेके आना। हम रुपया नारियल लेके गए, बोले मैं फिर बाद में देख लूँगा। बाद में जब भी बच्ची जाती थी तो यही कहते थे तेरे बाप से FD करवा ले, तेरे बाप से दहेज लेके आ, तेरे बाप को कुछ नहीं दिया। मेरे कोई खुशी नहीं है, तू जो सामान लेके आई है मेरे कोई खुशी नहीं है इस सामान से। मेरी बेटी सर्विस लगी नहीं, बोले मेरे को हमने यहाँ से फ़ोन करा खुशी के लिए, अब भाई इसके ससुर के पास फ़ोन करो, तुम्हारे घर की बहू है ये सर्विस लगी नहीं। बोले मेरे को कोई खुशी नहीं इसकी नौकरी से, आपने दहेज तो दिया नहीं, आप कुछ भी करो, मेरे को कोई खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं है। आपको जैसे फोन आया वहाँ से कि आपकी बेटी ने ऐसे ऐसे फांसी खा ली है, हाँ। तो आप कौन कौन लोग यहाँ से गए थे वहाँ पर? 8 आदमी थे हम।
तो वहाँ पे जाके देखा तो किस तरह की हालात थे वहाँ पे? तब हम गए तो लड़की अस्पताल में ले जा रखी थी, हम पहले थाने में गए, हमने वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसके बाद में बोले आप अपनी बच्ची को देखना चाहते हो, हम हाँ बच्ची को देखने के लिए आए, बच्ची देखनी है। वहाँ अस्पताल में गए, बच्ची बर्फ़ में लगा रखी थी, मैंने बच्ची का चेहरा उगाड़ के देखा, पूरे चेहरे पे पूरे सिर में चोट लग रही, बोतल मार मार के पूरा सिर में बबूला, माथा फोड़ रखा, और घेटी से ऊपर पर एक गोड्डे पे चोट लगी हुई थी और नीचे कोई चोट नहीं थी। उन्होंने बोतल से छोरी का पूरा मुंह फोड़ा और सिर फोड़ा है, एक हाथ छोरी ने जैसे जैसे बचाने की कोशिश करी ऐसे ऐसे हाथ लगाया, पूरी उंगलियाँ लीली हो रही मेरी बेटी की, पूरी उंगलियाँ लीली हो रही उसकी, और फिर चुन्नी से फांसी लगा के, और ये दिखाया कि ये तो पंखे में लटक गई। मेरी बेटी कभी ज़िंदगी में नहीं लटक सकती, बोल दिया था मम्मी मरूंगी नहीं, ये लोग मेरे को मारने की कोशिश करें, मम्मी मैं मरूंगी नहीं, खुदकुशी नहीं करूंगी कभी भी ज़िंदगी में खुदकुशी नहीं करूंगी मम्मी, मैंने मेरे पापा का बहुत ऊंचा नाम करा है, मैं किस लिए मरूंगी, मैं कमा के खा सकती हूँ, मैं मम्मी कमा के खा सकती हूँ, मैं कभी भी नहीं मरूंगी मम्मी, तू बेचिंत रहना मेरी तरफ से, मरूंगी नहीं, मैं समझाती बेटा तू खुदकुशी मत कर लेना कभी भी, नहीं मम्मी मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, आज मैं देश की रक्षा करने के लिए खड़ी हुई हूँ, मैं खुदकुशी करूँगी क्या, मेरी बच्ची को धोखे से मार दिया, धोखे से, मेरे को बहुत बड़ा इंसाफ चाहिए, धोखे से मारा मेरी बच्ची को उन लोगों ने, और यहाँ के वो मेरे को बदतमीज बोल के जाता था, उसका ससुरा मेरे को भी ये कह के गया कि तू तो गंदी है, अगर तू तो गंदी है, तेरी बच्ची गंदी है, तू गंदी है। मैंने इन लोगों को भी नहीं बताया, मैं हंगामा खड़ा हो जाएगा, मैंने बाद में बताया। जब वो आर्मी में वहाँ लड़की थी तो आर्मी वालों ने आपको क्या कहा सर, बताइए? आर्मी वाला पहले फ़ोन आया साहब, उन्होंने तुम्हारी लड़की ने फांसी खा ली, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में दो चार मिनट बाद में उसके पुलिस का फ़ोन आया, मोजी फांसी खा ली लड़की ने आपकी ने, और आप आ जाओ, मोजी लड़की ने फांसी खा ली तो आप फांसी से उतारिए मत मेरी लड़की को। और फिर कैसे का फ़ोन आया, नूर जी हम आए उस टाइम पर लड़की उतार रखी थी, और मैं उन्हें बार बार ये बोला कि लड़की ने फांसी खा ली, लड़की फांसी से उतारिए मत, हम आके उतारेंगे, और उतार के रख रखी थी फांसी का, तो एक बहाना ही बना रखा था साहब उसने, पहले उसकी डेथ करी थी उसने कांच की बोतल से ही डेथ करी गई थी, जबकि मैं उसकी बोतल की टूटी हुई की वीडियो बना के लाया हूँ, पर ये तो बहाना बना दिया कि उसने फांसी खाई, फांसी का कोई भी मैटर नहीं था साहब, उसने अपनी जब भी चोट मारी हाथ के ऊपर ही उसने अपनी चोट उठती गई, उसने लास्ट में सिर के ऊपर चोट मारी जब गंभीर रूप से घायल हो गए जब गिरी इस वक्त। अगर कोई आदमी अगर फांसी खाता है तो वो अपने आप को चोटिल क्यों करेगा? हाँ बात तो ये, दूसरी बात यह है कि अगर फांसी अगर खाई है तो पुलिस या परिवार जब तक आए तभी तो वो नीचे उतारना था। हाँ, वो तो कहीं ना कहीं सबके दायरे में है। बिल्कुल, और भी बंदा साहब इसके साथ है ना, एकला नहीं, दो आदमियों ने कम से कम मारी, एक बंदा का तो बस की नहीं की जो, और ये भी सोचो कि एक बंदा फांसी से उतार सकता है उसको, काफ़ी हाइट है अभी, काफ़ी हेल्दी कमरा की हाइट है जी, कम से कम 13 फुट हाइट, और नीचे कुर्सी लगा रखी है, कुर्सी भी एकदम साफ से नू की रखी थे, कुर्सी ना हिल रही ना, और ना लड़की लैटरिन निकल रही, ना बाथरूम निकल रही, ना किसी आँख से, और ना कोई जीभ निकल रही उसकी, जितनी भी चोट से उसके सिर की चोट से गंभीर रूप से घायल हुई है, और उसके बाद में इन्हें गला घोट के मारे अभी। अभी क्या मांग करते हैं? अब मांग ये है जी, मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए बस, और वह उसका स्टाफ है उसके साथ नौकरी कर रहे हैं ना जी, उसने भी कोई मारी सुनाई नहीं करी, वह भी उस लड़का को बचाने के चक्कर में है, फौज है उसके लड़के को बचाने के चक्कर में है। मैंने बोला कि मैं लड़की के लिए जी हमारा परिवार से सारा कमरा देखा, लेकिन कमरा ने मना कर दिया था, वीडियो बनाने ने मना कर दिया था कि आप यहाँ की कोई वीडियो नहीं बना, मगर जी सीओ से बात करवा दे, नहीं उन्हें सीओ से बात करवाया, सीओ को बोल दिया कि नोले मेरे तो एतवार की छुट्टी है, आप सोमवार ने बात करना, सीओ से बात नहीं करवाया। लड़की कौन सी उसमें थी? सीआरपीएफ में थी। आरपीएफ में? हाँ, रेलवे पुलिस में थी।